हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं निफ्टी इंडेक्सेस व्यू में। दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हो, हम लोग हर महीने की पहली दूसरी तारीख को मिलकर निफ्टी डिस्कस करते हैं कि निफ्टी इस महीने कहां जाएगा। तो दोस्तों, हम निफ्टी पे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक और टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूं, जस्ट अभी ये रिकॉर्डिंग हमारा शुरू हुआ उससे पहले एक बिजनेस पार्टनर हमसे मिले थे, जिन्होंने मुझे एक सवाल किया कि पीयूष भाई, ये करेक्शन और कितना लंबा चलेगा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये सवाल आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में होगा, तो ये सवाल ना आए इसके लिए हम कुछ पांच प्रकार के स्टॉक पे चर्चा करेंगे, राइट। ये दोनों चीजें कवर करता हुआ ये वीडियो आप लोगों के लिए, राइट फ्रेंड्स। कम फर्स्ट थिंग निफ्टी। दोस्तों, लास्ट मंथ जब हम लोगों ने एक दूसरे के साथ चर्चा की निफ्टी के ऊपर, तब निफ्टी कितना था, राइट? कितनों को याद है कि बोर्ड में से कॉपी हो गया? 11,923। हम लोगों ने चर्चा की थी कि जॉयफुल जून महीना है और इस जॉयफुल जून में निफ्टी है अभी 11,923। तो दोस्तों, 11,923 जब निफ्टी था, तब हमने क्या चर्चा की कि जुलाई में, सॉरी, यही जॉयफुल जून में निफ्टी कैसा रहेगा ये महीना। दोस्तों, पिछले महीने हमने जो चर्चा की उसमें कुछ दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स ट्रिगर हुए थे, याद है आपने किसी को? कौन से इवेंट पे हमने बात की थी कि बाजार 11,923 है, पर ये दो इवेंट कुछ भाग प्ले करने वाले हैं, राइट? कौन से थे? टू मेजर इवेंट, जैसा हमने यहां पे बताया हुआ है, विन ऑफ बीजेपी, यानी कंटिन्यू जो गवर्नमेंट जो टिकी जो रही वही के वही गवर्नमेंट, एक वो था एक मेजर ट्रिगर मार्केट के लिए, और दूसरा ट्रिगर था, दैट वाज अ बिग पॉजिटिव ट्रिगर। एक नेगेटिव ट्रिगर था कि जीडीपी के जो हमारे आंकड़े आए वो कुछ साल के लोएस्ट आंकड़े आए। चाइना तो आपको बता ही था कि दो साल से उनके आंकड़े कुछ कम आ रहे थे। इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा था वर्सेस चाइना भी, पर लास्ट समय जब हमने चर्चा की तब के जो जीडीपी के जो आंकड़े आए वो कुछ कमजोर थे, दैट वाज नेगेटिव। पॉजिटिविटी उसमें ये थी कि जीडीपी पर कैपिटा के जो आंकड़े आए वो तो 10% ग्रोथ पे आए, यानी इस साल भारत का जीडीपी पर कैपिटा यानी पर हेड इनकम इंडिविजुअल्स की 10% से ग्रोथ हुई है, दैट वाज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। जीडीपी पर कैपिटा भी जो कम आया था उसमें भी एक चीज तो है कि ये कम हमसे खुद की कंपटीशन में कम था। वर्ल्ड वाइड अगर हम सारी कंट्रीज देखें तो मेजर इकोनॉमी में तो स्टिल इंडिया इज अ विनिंग हॉर्स, राइट फ्रेंड्स। तो ये दो कुछ ट्रिगर थे हमारे बाजार के, राइट। हमने क्या इंपॉर्टेंट लेवल तय किया था ध्यान रखने का, जून महीने में हम 11,108 को ट्रैक करने वाले थे। अब बाजार 11,900 और हम ट्रैक क्या करने वाले थे पूरा महीना 11,108, क्योंकि 11,108 से जबरदस्त बाइंग आया था मई महीने। तो जून में हम ट्रैक 11,108 इसलिए करने वाले थे क्योंकि जो जगह से मेजर बाइंग आया है, जब तक वो लेवल के नीचे बाजार नहीं जाता है टिल दैट टाइम हमें नेगेटिव होने की कोई जरूर नहीं है। इसीलिए 11,108 का एक इंपॉर्टेंट लेवल ट्रैक करने लायक था। जब तक बाजार 11,108 के ऊपर था, वी शुड बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में कब तक? तो पहला हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि बाजार 12,272 एक नॉर्मली आना चाहिए, यानी एक नया हायर हाई जून में लगना चाहिए। आगे जाके बाजार 12,623 13,226 भी जा सकता है, पर ये सब चीज कब? अगर बाजार 11,108 के ऊपर सस्टेन रहता है तब। बाजार में नेगेटिव ट्रेंड तभी री एंटर होगा। क्या कह रहा हूं? री एंटर। हम अभी डाउनवर्ड करेक्शन में है, नेगेटिव ट्रेंड में नहीं है, राइट। तो नेगेटिव ट्रेंड में बाजार री एंटर तभी होगा अगर हम 11,108 तोड़ेंगे तो, राइट। अगर 11,108 तोड़ते हैं तो ही हम 10,500 तक जाते, दो महीने का एक करेक्शन आता
ये हमारा जून का डिस्कशन था। आप लोगों की क्वेरी भी मैंने पढ़ी, आप लोगों ने लिखा था पीयूष भाई बाजार 11900 आप कह रहे हो 11108 को ट्रैक करना है तो बहुत दूर हुआ ना। पर दोस्तों ये पहला महीना था ह्यूज बाइंग का, तो भले लेवल दूर थे पर ट्रैक करने का लेवल 11108 ही था। अब देखो जुलाई महीने में जो हमारी एंट्री हुई, अब क्या हम 11108 ट्रैक करेंगे? नहीं, अब ट्रैक करने लायक लेवल और बढ़ जाएंगे, राइट। तो दोस्तों जून महीने में ये हमारा डिस्कशन। अब जून में हुआ क्या, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग जून? हमने ये डिस्कस किया था कि बाजार अच्छा रहता है तो बैंक निफ्टी, इंफ्रा, कई समय से इंफ्रा ने परफॉर्म नहीं किया था पर अब इंफ्रा परफॉर्म करेगा, पीएसई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज भी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे कई समय से पर इंफ्रा, पीएसई और रियलिटी भी परफॉर्म करेगा, राइट। ये सब कब अगर बाजार अच्छा रहता है तब। 11108 के ऊपर है तो हम मानेंगे दिस ऑल थिंग्स आर गुड। अगर बाजार टूटता है तो भी कोई घबराने की चीज नहीं है दोस्तों। अगर बाजार टूटता है तो जो लोग कंसिस्टेंटली एसआईपी करते जा रहे हैं उन लोगों के लिए एक विंडो ओपन होने वाली थी कि चलो कंसिस्टेंटली और इक्विटी में बाय करो। बाजार चलता है तो इक्विटी में एसआईपी नहीं करेंगे, तो हम वापस फिक्स सिक्योरिटीज में एसआईपी हमारी कंटिन्यू रखेंगे और जब बाजार टूटता है अगेन हम यही चीज का बेनिफिट उठाएंगे। सो फ्रेंड दिस ऑल वॉज अवर प्लानिंग फॉर जून, जॉयफुल जून। जॉयफुल जून खत्म हो चुका है, अब चलो ये तो हमारे एक्सपेक्टेशन थे, एक्चुअल क्या हुआ जून के महीने में ये भी डिस्कस करना है ना, हम लोग हर महीना ये डिस्कस करते हैं। सो व्हाट हैपेंड इन जॉयफुल जून? निफ्टी किधर था? 11,923। किधर आ गया? 11,789। तो दोस्तों जैसा हमने डिस्कस किया था कि बाजार 12,272 तक जाना चाहिए, 272 तक नहीं गया पर बाजार यानी निफ्टी 12,103 का एक उसने नया लाइफ टाइम हाई लगाया। सो एज यू वर एक्सपेक्टिंग निफ्टी ने हायर हाई, हायर लो किया, हायर क्लोज नहीं किया। हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज जब आते हैं तो एक पॉजिटिव ट्रेंड होती है। हायर हाई, हायर लो आते हैं इसका मतलब बाजार टूट नहीं रहा है, पर हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज का मतलब होता है कि बाजार रैली में है अभी म्यूटेड हुआ है पिछले महीने। तो जून में क्या हुआ? मार्केट म्यूटेड था, बाजार 12,272 तक नहीं गया पर यस बाजार ने एज एक्सपेक्टेड एक नया लाइफ टाइम हाई लगाया, राइट। अगर निफ्टी 11,108 तोड़ता तो सीधा 2-3 महीने के करेक्शन में घुस जाता, राइट। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, बाजार ने भले एक्सपेक्टेशन के हाई नहीं लगाए पर नया हाई जरूर लगाया। दूसरी ओर न्यू लो नहीं लगाया यानी 11,108 नहीं तोड़ा, इसीलिए हमने हायर लो भी देखा, हायर हाई भी देखा। दिस वॉज इंपॉर्टेंट फॉर द मंथ ऑफ जून। तो इन फैक्ट जून महीने में हुआ क्या, बाजार एक छोटे से दायरे में चला, 478 पॉइंट के एक स्मॉल रेंज में, यानी पिछले महीने के थोड़ा ऊपर हाई, हायर हाई और हायर लो की एक रेंज में बाजार चला, राइट। 3 महीने के कंटिन्यू हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज के बाद हमने जून महीना हायर हाई, हायर लो, लोअर क्लोज से क्लोज किया। अब तक हमने 17 महीने का ये डाउनवर्ड करेक्शन देख चुके हैं। जो आप लोगों का दोस्तों सवाल है कि ये कब तक चलेगा, तो ये उससे सीखने को मिलेगा कि पहले के करेक्शन कितना चले हैं। अब पहले के करेक्शन यानी हमें 1991 से 2000 तक के करेक्शन इसलिए नहीं देखने चाहिए क्योंकि वो रिफॉर्म के समय के बातचीत थी, राइट। उस समय तो बाजार वैसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, बाजार में रैली 2004 के बाद आई, 2002 से इनफैक्ट शुरू हो गई, बढ़िया रैली 3 से स्टार्ट हुई और 2007 तक वो रैली चली। पहला जो करेक्शन आया दोस्तों वो था
74 मंथ का, कितने समय का, 74 मंथ का पहला डाउनवर्ड करेक्शन। 74 मंथ यानी कितने साल हुए, गिन लो, लंबा 6 से 7 साल का एक हमने करेक्शन पीरियड देखा। दोस्तों करेक्शन पीरियड किसको कहते हैं, फॉल में और करेक्शन में फर्क होता है। भले हम 74 मंथ तक डाउनवर्ड करेक्शन में रहे पर कंटिन्यू फॉल 13 महीने का खाली था। तो दोस्तों 74 मंथ का करेक्शन और खाली 13 महीने का फॉल, तो बाकी के 60 कितने बचे, 74 माइनस 13, बाकी के आपने 61 मंथ कहां बिताए, करेक्शन मोड में बिताए। करेक्शन मोड ये इसलिए रहता है क्योंकि 2007 में जो आपकी कंपनीज के प्रॉफिट थे वो प्रॉफिट को पार करते नए लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट 74 मंथ तक नहीं लगे थे। कुछ नए सेक्टर्स इन 10 साल में बाहर आए पर जैसे अर्निंग्स बढ़ी बाजार में करेक्शन मोड से बाहर निकला। तो दोस्तों पहला डाउनवर्ड करेक्शन था आपका 74 मंथ का। दूसरा करेक्शन 2013 में आया, बाजार ने वापस रैली की थी 2013 से, राइट 2014 से। अगेन जो करेक्शन जो आया वो था 24 मंथ, राइट, मैं गलत जगह पे था। 24 महीने का ये करेक्शन कब आया, 13-14 में हमने रैली स्टार्ट की और तुरंत 15-16 में अगेन एक 24 महीने का करेक्शन आया। यहां पे भी मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये डाउनवर्ड करेक्शन यानी नए निफ्टी ने जो हाई लगाता है, हाई के ऊपर टिकता है, ये 24 महीने तक नहीं पाया गया, पर फॉल नहीं था, फॉल इसमें था 13 महीना खाली। तो हम 13 महीना टूटे, ओवरऑल करेक्शन पीरियड चला 24 महीने का, राइट। तो ये दो करेक्शन हम लोगों ने पहले दो देख चुके हैं, हम तीसरे अभी अगेन करेक्शन पीरियड में है। अब इस बार भी देखो तो फॉल कितने महीने का था, इस बार तो दोस्तों हम कंटिन्यू 13 महीने का फॉल भी नहीं था, हम 2 महीना टूटे 5 महीना चले वापस 2 महीना टूटे, चलो टूटे तो नया लो लगा, राइट, वापस 5 महीना चले। तो ये चीज करते करते हमने अभी 17 महीने बिता चुके हैं। पिछला करेक्शन कितने महीने का था, 24 महीने का। कितने महीना और हम लोग इस स्थिति में बिता सकते हैं, अब गिन सकते हो, राइट, 7-1 महीना और हो सकता है दोस्तों। ये 7-1 महीना क्यों, क्योंकि दोस्तों बाजार महंगा है, निफ्टी बहुत अच्छा है, हमारी जो अर्निंग जो कंपनी की आई है डेटा वेरी गुड, अच्छी ही अर्निंग आई है। पता नहीं क्यों मैंने बहुत सी मीटिंग्स में अभी भी मैं सुनता हूं कि इंडिया की कंपनीज की अर्निंग नहीं अच्छी है, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, मुझे पता नहीं वो कौन से डेटा से बात कर रहे हैं, एक्चुअल अर्निंग्स आर गुड। आप निफ्टी की टॉप की अगर 20 कंपनीज भी लेते हो तो आप उसमें कंपनीज की अर्निंग देखोगे, कुछ को छोड़ के बाकी की अर्निंग अच्छी है। कुछ कंपनियां ऐसी थी जो बरसों से लॉस कर रही थी, कंसिस्टेंटली डाउन ग्रोथ में थी, आपको नाम पता है उन लोगों के, SBI, ICICI बैंक, जो डाउन ग्रोथ थी उन लोगों ने भी इस बार अच्छा ग्रोथ दिया हुआ है, राइट। तो अर्निंग तो अच्छी है पर हम लोग अर्निंग के मुकाबले महंगे हैं, यील्ड वो अच्छी इतनी नहीं है ये भाव पे, इसलिए ये करेक्शन रह सकता है, राइट फ्रेंड्स। तो लंबे से लंबा करेक्शन इतना। नाउ यहां पे जो लोगों ने ये पॉइंट नोट करने जैसा है कि जो भी लोगों ने ये 24 महीने के करेक्शन में पहले लिया या जो लोगों ने 74 मंथ के करेक्शन में उस समय बाय किया हुआ था, एक्चुअल फायदा इन्हीं लोगों को होता है। पर ये लोग थोड़ा दुखी दुखी घूमते हैं क्योंकि जब ये लोग रोज ले रहे होते हैं माल तब रोज ये लोग आज लेते हैं कल वापस नया लो लगाते हैं, तो उनको लगता है कि मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो रही, पर उनको किसी ने ये नहीं बोला है कि गलती नहीं है, यही तो आपकी खूबी है कि आप करेक्शन मोड पे खरीदते जा रहे हो, पूरे करेक्शन में इकट्ठा करते जाओ। वो लोगों ने तेजी में फायदा उठाया, जो लोग सिर्फ तेजी तेजी देख के आते हैं, रैली में आते हैं, उन्हें इस प्रकार के 24 महीने के करेक्शन पीरियड का सामना करना पड़ता है, राइट फ्रेंड्स। तो आप लोग अभी करेक्शन मोड में हो तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस,
we all can accumulate those wonderful stock at liquidating prices, right? तो ये था जून, और जून में आपने देखा जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, बैंक निफ्टी बढ़िया चला, इंफ्रा बढ़िया चला, पीएसई गवर्नमेंट एंटरप्राइज अच्छे परफॉर्म किए, रियल्टी जून में अच्छा रहा, राइट? नाउ व्हाट अबाउट जुलाई? दोस्तों जॉयफुल जुलाई में निफ्टी कैसा रहेगा? चलिए दोस्तों, जॉयफुल तो जून था, राइट? जॉली जुलाई में निफ्टी की चर्चा करते हैं, 11789, राइट? चलिए, ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल टू ट्रेड दिस मंथ, आप में से बहुत से लोग ब्रोकर हो, आप में से बहुत से लोग डीलर हो, आप में से बहुत से लोग ट्रेडर हो, 11625 का लेवल हमें डायरी में लिख देना चाहिए इस महीने के लिए। लास्ट मंथ आप लोग ट्रैक करते थे 11108 कि भी वो टूटेगा तो ही बाजार निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड में एंटर होगी। इस महीना हमें ट्रैक करना है 11625। नेगेटिव ट्रेंड में निफ्टी तभी एंटर होगी अगर निफ्टी 11625 के नीचे जाती है तो। अगर निफ्टी 11625 ब्रेक करती है, उसके नीचे रहती है, तो हम दो महीने का कंटिन्यू करेक्शन देख सकते हैं। ये दो महीने का कंटिन्यू करेक्शन कहां तक रह सकता है? 575 इधर गया, यस, 11575 तो नॉर्मल चीज हुई। अगर बाजार नया लो लगाता है, मंथली लो, लोवर लो, ये लोवर लो क्यों ट्रैक करना है? क्योंकि हमने चार महीने से लोवर लो नहीं लगाया है, हायर लो लगाया है। तो बाजार नेगेटिव कब होगा? अगर चार महीने का मैं मेरा डायरेक्शन चेंज करता हूं तो, करेक्ट? सो अगर बाजार ये तोड़ता है तो 11575 इज वेरी नॉर्मल थिंग। बाजार 11097 तक भी आ सकता है, तो 11097 तक भी आता है, इट्स ऑल राइट। ये एक नॉर्मल लेवल हुआ अगर मार्केट 11625 तोड़ता है तो। पॉजिटिव बायस कंटिन्यू रह सकती है अगर बाजार सस्टेन करता है 11625। बाजार 11625 टिकता है तो हम अगेन हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज इस महीना देखेंगे। इस केस में बाजार नया हाई 12370 या 12531 लगा सकता है अगर बाजार 11625 के ऊपर टिकता है तो। तो अगेन बोलो मेरे साथ, इस महीने कौन सा लेवल अपन सब लोग मिलकर ट्राई करेंगे? 11625। क्लोजिंग में दोस्तों देखना पड़ता है, अगर बाजार 11625 के नीचे गया, मान लो 11361 आ गया, क्लोज अगर 11625 के नीचे देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लोवर लो के भी नीचे क्लोज देता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू अगला महीना रहेगा। तो अगर बाजार क्लोजिंग 11625 के ऊपर देता है, टूटे तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा फॉल नहीं आएगा, एक नॉर्मल रेंज बाउंड मूवमेंट है, राइट फ्रेंड्स? तो हम लोग क्या ट्रैक करेंगे? 11625। चलो बाजार चला तो क्या करेंगे, 11500 आया तो एंजॉय करेंगे, आप लोगों ने ऑलरेडी 17 महीने से मान लिया हुआ है, राइट? चलो बाजार टूटे तो क्या करेंगे, 11097 किधर गया, या 11097 आया तो क्या करेंगे? खुशी खुशी एसआईपी करेंगे, कंसिस्टेंटली बाइंग करेंगे, एंजॉय करेंगे इस फॉल को। क्लियर है दोस्तों इतनी चीजें? तो दोस्तों ये था अपना निफ्टी का प्लानिंग। अगर बाजार पॉजिटिव रहता है, अगेन इस बार भी पिछली बार जैसा, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने चर्चा की थी निफ्टी बैंक, इस बार भी यही चीजें, निफ्टी बैंक पॉजिटिव रहेगा, सीपीएससी, फाइनेंशियल सर्विस, इंफ्रा, रियलिटी सर्विस, ये सब वो सेक्टर है जो पॉजिटिव माहौल में पॉजिटिव रहेंगे, राइट? अगर बाजार में करेक्शन आता है तो नॉर्मल चीज है कि इनमें भी करेक्शन आता है। रुपया जो है 68.96 चल रहा है, ये रुपये को हम और अप्रिशिएट होता हुआ देख सकते हैं, दैट इज गुड थिंग। हम देख सकते हैं 67.30 ये महीना आ सकता है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मार्केट। क्रूड 59.75
आपने इसके अगले महीने सोचा था कि क्रूड टूटे और वो बहुत अच्छा टूटा था, अभी ये वापस बाउंस हो रहा है। तो दोस्तों 59.75 से 64.30 तक भी अगर क्रूड आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इट इज अ नॉर्मल बाउंस, इतना आ सकता है ये चीज, राइट। इसके अलावा जो मैंने आपको 5 पॉइंट की बात बताई थी दोस्तों, राइट, ये निफ्टी के ऊपर था। निफ्टी में मैं कुछ आपको पी बता देता हूं, यस, थोड़ा या रेवेन्यू ग्रोथ 19% का था। तो जो लोग ये बोलते हैं धंधे नहीं है इंडिया में, धंधे नहीं है तो 19% ग्रोथ कैसे है, हाई ग्रोथ है दोस्तों। प्रॉफिट लोग बोलते हैं टूटे हैं, प्रॉफिट बढ़े हैं, 18% से आपके निफ्टी 50 की प्रॉफिट में बढ़ावा है। नेगेटिव चीज है पी, हम 29 के पी पे है जो कि हिस्टोरिकली बहुत ही हाई पी है, राइट। तो ये पी कब नीचे आ सकता है, ये अर्निंग बढ़े तो पी ऑटोमेटिकली घटेगा, या तो अर्निंग बढ़े या बाजार टूटे, राइट। इन दो में से कोई एक चीज के केस में बाजार सस्ता हो सकता है, राइट फ्रेंड्स। ये केस में डिविडेंड यील्ड अभी 1.25 की होती है जो कि कम है, अगर सस्ते बाजार पे लेंगे तो हमारी डिविडेंड यील्ड इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो 5 पॉइंट की हम बात करें उससे पहले मैं आपको इवेंट भी बता दूं कि जुलाई महीने में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इवेंट नंबर 1, यस, वी आर गोइंग टू मीट इन कोलकाता 14 जुलाई, राइट, गलत तो नहीं कह रहा मैं, सही है ना, 14 जुलाई, या संडे 14 जुलाई एज यूजुअल 9:59। एंड यू ऑल नो फ्रेंड्स, अगर प्रॉफिट की मीटिंग 9:59 को है तो 9:59 को स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो 14 जुलाई फॉर कोलकाता, 17 जुलाई और 21 जुलाई, 21 जुलाई फॉर मुंबई, तो वापस मुंबई में मिलेंगे, राइट। लास्ट टाइम हमने सैटरडे मीटिंग रखा था, मैं खुद हैरान हो गया ट्रैफिक में, गणपति, मेरे को लगता है गणेश चतुर्थी का वो समय था, राइट। तो इस बार हमने अगेन संडे को ही मीटिंग रखा है, सो वी ऑल विल एंजॉय दैट डे, 21 जुलाई मुंबई। और यस, प्रैक्टिकल वर्कशॉप भी कोलकाता में रखा हुआ है, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर फ्राइडे सैटरडे संडे मेरे ख्याल से 25, 26, 27 के जो फ्राइडे सैटरडे है तब प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, पर ये सब लोगों के लिए नहीं है, ये लिमिटेड सिर्फ 20 लोगों के लिए होगा जो लोगों को डीपली स्टॉक मार्केट में सीखना है, राइट फ्रेंड्स। तो दिस ऑल वॉज समथिंग अबाउट निफ्टी एंड अवर इवेंट्स। मैं 5 पॉइंट पे आ जाता हूं दोस्तों। आपकी जितनी भी क्वेरीज ग्रुप में आती है या जितने हम लोग इतने सारे अलग अलग मीटिंग के द्वारा लोगों को मिलते हैं, जो क्वेरी आपकी आती है उससे मुझे एक चीज लगी कि एक जगह पे हमारी भी गलती हो रही होगी कि हम और क्लियर नहीं कर सके इस चीज को कि जितने भी स्टॉक आप देखते हो, लाखों कंपनियां हो सकती है बाजार में, 4-5 हजार कंपनियां है लिस्टेड में, इसमें से कौन सी कंपनी मुझे कब काम लगेगी, इसकी मुझे क्लियरिटी होनी चाहिए दोस्तों। ये 5,000 जो कंपनियां है उसमें से 5 अलग अलग प्रकार की कंपनियां होती है। सबसे पहला प्रकार होता है हाई क्वालिटी हाई वैल्यू स्टॉक्स। हाई क्वालिटी हाई वैल्यू कंपनियां दोस्तों वो होती है जिनकी कुछ अपनी मोनोपोली होती है। अब वो प्रोडक्ट में हो सकती है, वो सर्विस में हो सकती है, वो मार्केटिंग प्लान में हो सकती है, वो उनके डेमोग्राफी में हो सकती है, वो उनकी ज्योग्राफी में हो सकती है, पर वो उस चीज की वजह से अपने सेक्टर में 25-30 कंपनियां होगी, फिर भी ये कंपनी कम डेप्ट से ज्यादा धंधा कर सकती है। ये कंपनी बिजनेस अच्छी तरह से जानती है कैसे करना, यानी उनके रेवेन्यू सबसे बढ़िया होते हैं, ये कंपनी को कम डेप्ट से पता होता है कैसे धंधा करना है, सो दे आर लेस डेप्ट कंपनी। ये कंपनीज के मार्जिन बाकी सबसे बहुत अच्छे होते हैं ड्यू टू देयर कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड गुड मैनेजमेंट। इनको कहते हैं दोस्तों क्वालिटी या वैल्यू, जो नाम आप दो, पर ये क्वालिटी और वैल्यू कंपनी है जो लंबे समय में जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके देती है, क्योंकि यही क्वालिटी और वैल्यू कंपनियां होती है जो उनके सेक्टर का खराब समय आता है उस समय भी ये कंपनियां लॉस नहीं करती है, ये कंपनियां कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करती हैं और अपने शेयर होल्डरों को कंसिस्टेंटली कैश फ्लो बरसों तक देती जाती है, एक साल नहीं, एक दशक नहीं, 20 साल 30 साल 50 साल तक ये कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग रहती है, जैसे हमने वर्ल्ड की कई कंपनियां देखी है जो 100-150 साल से अपने इन्वेस्टर को
बढ़िया कैश फ्लो देते जा रहे हैं। दीज आर ऑल क्वालिटी एंड वैल्यू प्रोडक्ट्स। मुझे अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो मुझे क्वालिटी और वैल्यू स्टॉक पे दोस्तों ध्यान देना होगा। आपके एक सेक्टर में एक कोई भी इंडस्ट्री है, 30 कंपनियों में से मुश्किल से एक दो या तीन कंपनियां मिलेगी जिसमें क्वालिटी और वैल्यू होगा। ऑलराइट, क्वालिटी वैल्यू। जैसे आप कंज्यूमर इलेक्ट्रिक देखते हो तो वोल्टास का ध्यान आता है, राइट? जैसे आप अदर एप्रल्स देखते हो तो टाइटन का ध्यान आता है। हर सेक्टर में ऐसे कुछ ना कुछ राजा है जिनके अपनी यूनिकनेस है। सो फोकस ऑन दिस क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऑन दिस क्वालिटी स्टॉक्स, इफ दे आर गोइंग टू गिव यू वेल्थ क्रिएशन ऑन लॉन्गर होराइजन। सेकंड टाइप ऑफ कंपनीज आर दोस कंपनीज विच आर ग्रोइंग कंपनीज। अब ग्रोइंग कंपनीज हो सकता है खूबी की वजह से ग्रोइंग नहीं है, पर उनकी इंडस्ट्री डिमांडिंग है। तो ये कंपनियां भले हो सकता है इतना बढ़िया अपने आप को मैनेज नहीं करती है, पर फिर भी डिमांडिंग सेक्टर की वजह से इनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, यानी हम इसमें बाउंस बढ़िया देखते हैं। दोस्तों आप जानते हो हैवल्स इज हाई क्वालिटी कंपनी, लेकिन वही सेक्टर में अगर आप यूनिवर्सल केबल देखो तो उसको हम ग्रोइंग कंपनी कहेंगे, उसमें क्वालिटी हम नहीं कहेंगे। जानता हूं मैं कि आप में से बहुत से लोगों के पास है, और मैं ये भी जानता हूं कि आप में से बहुत से लोगों के डबल हो गए यूनिवर्सल केबल आपने लिए थे। पर दोस्तों अभी जब मैं ये सुनता हूं ना तब मुझे लगता है कि मैं क्लियर नहीं कर सका आप लोगों के साथ ये चीज कि आपको ये कहते हो कि वाओ पीयूष भाई बढ़िया स्टॉक मिल गया हमको यूनिवर्स केबल, डबल हो गए हमारे पैसे। वाओ पीयूष भाई कैंता बिल में हमारा पैसा डबल हो गया, बहुत बढ़िया स्टॉक है। वो बढ़िया नहीं है दोस्तों, वो ग्रोइंग इंडस्ट्री में बिलोंग करते तो वो ग्रो हो गए, वो आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देते हैं। पैसा डबल हुआ, वी नीड टू बुक प्रॉफिट देयर, क्योंकि ये कंपनियां कम मार्जिन वाली है, ये कंपनियों में कुछ ना कुछ लूप होल्स है, ये बड़ा टर्नओवर नहीं कर पा रही है, कि ये डेप्ट बर्डन वाली है, तो मैं इसमें वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। क्योंकि ग्रोइंग की वजह से आज इनका धंधा बड़ा, कल जैसे कुछ प्रॉब्लम आता है इनके प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी कम है, ये वापस प्रॉफिट टूटते हैं और 5 साल बाद वापस हमारे लिए हुए भाव पे आते हैं, तो हमें बहुत बहुत दुख होता है। पर हम पहले से समझ जाए कि भाई क्वालिटी स्टॉक कौन से है और ग्रोइंग स्टॉक कौन से है। क्वालिटी में मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, ग्रोइंग में मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं। बहुत लोग बोलते हैं पीयूष भाई हम तो ट्रेडर है, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, बस लिया बेचा कमा गए, करना ये चीज। पर उसके साथ जब ये वो लोग ये कहते हैं कि हम तो पीयूष भाई क्वालिटी स्टॉक में ही ट्रेडिंग करते हैं तो दुख होता है। क्वालिटी स्टॉक ट्रेडिंग के लिए थोड़ी ना होता है, क्वालिटी स्टॉक में वेल्थ क्रिएट होने वाली है। पर मैं क्यों कह रहा हूं क्वालिटी स्टॉक क्यों ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है, क्योंकि बरसों तक हो सकता है ये क्वालिटी स्टॉक भी एक रेंज में रहे और वो ना चले, वो भी कंटिन्यू टूटता जाए। वो क्यों टूटता जा रहा है, क्वालिटी है पर अभी ग्रोथ नहीं है। तो ग्रोथ नहीं है तो क्या है, प्राइस थोड़ा थोड़ा नीचे आता जा रहा है, फिर आप दुखी हो जाते हो, फिर आपको लगता है कि यार क्या मैं बाजार क्यों ऐसा है, मैं अच्छे स्टॉक लेता हूं तो भी नीचे आते हैं। अच्छा है पर अभी ग्रोथ नहीं है, आपने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेने के लिए गए। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे ग्रोइंग स्टॉक में लेनी है। आप ये कहोगे मैंने दुनिया का सबसे अच्छा स्टॉक लिया, नीचे आ गया, मैं ट्रेडिंग करना चाहता था, मैं और बाय करूंगा, गलत स्ट्रेटेजी हो जाएगी। अगर आप वेल्थ कर रहे हो एक्यूमुलेट करते जाओ, जितना बाजार टूटता है आपके लिए अच्छा है, पर ट्रेडिंग करते हो बाजार टूटता है अच्छा नहीं है। ट्रेडरों को चलते बाजार में पैसा मिलता है, तो आपको मोमेंटम स्टॉक ढूंढने पड़ते हैं, इसलिए ग्रोइंग स्टॉक। तो आशा रखता हूं क्वालिटी और ग्रोथ में हम फर्क कर पाएंगे, राइट? हर सेक्टर में 10% से ज्यादा क्वालिटी स्टॉक नहीं होते, पर 50% से ज्यादा ग्रोइंग स्टॉक हो सकते हैं, राइट? तीसरे प्रकार के जो स्टॉक हुए वो हुए क्वालिटी स्टॉक बट दे आर नॉट ग्रोइंग। तो क्वालिटी है पर ग्रोथ नहीं है तो उसमें क्या होगा दोस्तों, वो कुछ समय तक नहीं चलेंगे, पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो बुरे स्टॉक है। देखिए जैसे टेलीकॉम है, इंडस्ट्री अच्छी नहीं है पर उसमें भारती है, दैट वाज हाई क्वालिटी स्टॉक। अगर मैं क्वालिटी स्टॉक यानी भारती में था तो आज
10 साल होने को आए ये सेक्टर एक करेक्शन मोड में, फिर भी हमने नुकसान नहीं किया है। भारतीय आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 10 साल पहले लिया था और आज मेरा पैसा आधा हो गया है, नहीं हो सकता है, राइट। वो एक रेंज में चलता जा रहा है। पर यस, आपने क्वालिटी लिया तो आप बच गए, पर अगर आपके पास आरकॉम थे तो क्या हुआ? यू ऑल नो, आपके पास TTML टाटा डेली ना, वो था तो क्या हुआ? यानी क्वालिटी में थे तो बचे, क्वालिटी बगर में थे तो गए। यानी बहती गंगा में हाथ धोए पर स्टॉप लॉस के साथ धोए, ऐसा ना हो जाए कि बह जाए, बराबर है। तो ट्रेडिंग के लिए ग्रोइंग स्टॉक में काम कर सकते हैं। क्वालिटी स्टॉक होंगे, जो ग्रोइंग नहीं होंगे तो उसमें SIP करें, क्योंकि वापस जब ये सेक्टर में चाम आएगा तब यही सब क्वालिटीज दौड़ेगी। याद करो, सीमेंट्स बहुत समय तक नहीं चल रहा था, इंडस्ट्री अच्छी नहीं थी। आप ही लोग के मेरे पे कॉल आते थे, पीयूष भाई सीमेंट्स नहीं चलता है, क्या करे क्यों? मैं क्या कहता था? इंडस्ट्री ग्रोइंग नहीं है, SIP करते जाओ। अभी जैसे ये सेक्टर चल रहा है, सीमेंट्स ने कैसा लाइफ टाइम हाई लगा दिया, राइट। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आप क्वालिटी इकट्ठा कर रहे थे। तो क्वालिटी स्टॉक ग्रोथ में ना हो तो भी उसमें SIP की जा सकती है, पर ग्रोइंग स्टॉक, चौथे नंबर के जो स्टॉक के ग्रोइंग स्टॉक जिसकी क्वालिटी नहीं है, उसमें SIP नहीं की जा सकती, राइट। ग्रोइंग स्टॉक होते हैं ट्रेडिंग के लिए, मोमेंटम के लिए। तो चौथे स्टॉक थे ग्रोथ बट नो क्वालिटी। डोंट एक्सपेक्ट वेल्थ क्रिएशन इन दैट स्टॉक, दे आर ओनली फॉर ट्रेडिंग पर्पस। पांचवें स्टॉक, 80% कंपनियां आपकी वो पांचवें स्टॉक में आती है, ना वो क्वालिटी है ना वो ग्रोथ में होगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि दोस्तों उनके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है। वो ग्रोथ के बावजूद उनकी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, फिर भी वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे, वो अपना धंधा नहीं कर पा रहे। चलो धंधा भी हो रहा है तो भी वो प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, डेब्ट इतने लेके बैठे हैं, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते जाएंगे, मैनेजमेंट की नीयत अच्छी नहीं होगी, कुछ गड़बड़ी कर देंगे। तो 80% कंपनियां नो क्वालिटी नो ग्रोथ में आई। मुझे अगर ये पांच समझ में आए, 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक, तो मैं अपने अपने स्टॉक पे अच्छी तरह से काम कर सकता हूं और मैं निराश नहीं होऊंगा कि यार ये 25 महीने के करेक्शन में बोर करते हैं। ये आपको एक्साइट करेगा। यार मुझे एक्साइटमेंट होता है कि ये करेक्शन मिला तो मैं कुछ इकट्ठा कर पाया, यार मुझे और समय मिला और माल लेने का, राइट। तो निराश मत होना, करेक्शन प्रियर जितना है दैट इज गुड। आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि पीयूष भाई मैं किताब पढ़ता हूं, मैं तुरंत पॉजिटिव हो जाता हूं, पर फिर वापस मैं नेगेटिव हो जाता हूं, मोटिवेशन टिकता नहीं। मैं ट्रेनिंग अटेंड करता हूं कहीं जाके, मैं पॉजिटिव हो गया फिर वापस मैं नेगेटिव हो जाता हूं। ऐसा क्यों होता है? क्यों कंसिस्टेंसी नहीं रहती है मेरे में? क्योंकि दोस्तों हमें जो रिजल्ट देता है, हमें जो मोटिवेट करता है, वो कॉन्शियस माइंड नहीं, सबकॉन्शियस माइंड। जब मैं कुछ पढ़ता हूं, जब मैं ट्रेनिंग अटेंड करता हूं, तब मैं सारी चीजें डिलीवर करता हूं अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर, और मुझे एक शॉर्ट टर्म चाम दे देती है, वो मुझे तैयार करती है। पर दोस्तों एक्चुअल 95% रिजल्ट जो आने वाले है वो सबकॉन्शियस माइंड से आने वाले है। यानी आज जो मेरी जो प्रिंट है वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड की मेरी प्रिंट है। तो मैं जितना मेरे सबकॉन्शियस माइंड को रेडी करूंगा उतनी मेरी प्रिंट अच्छी होने वाली है। तो मैं कैसे सबकॉन्शियस माइंड को एक्सट्रीमली रेडी करूं चैलेंजेस के लिए? सबकॉन्शियस माइंड को किताब पता नहीं चलती है, मीटिंग पता नहीं चलती है, उसको पता चलती है हैबिट्स, एक्शन। अगर मैं बार बार निराश हो जाता हूं तो मेरे माइंड को पता चल गया मेरी हैबिट क्या है, निराश हो जाने की। मैं बार बार ये कहता हूं मैंने तो स्टॉप लॉस नहीं किया यार, इस बार जाने दो। जैसे मैं बार बार मैं सोचता हूं चलो मुझे पेप्सी नहीं पीनी है, सामने पड़ी है, नहीं पीऊंगा करके ले ली, तो मेरा माइंड क्या समझा? मैंने किताब लाखें पढ़ी है डाइट के ऊपर, लेकिन अगर मैंने हैबिट ब्रेक की तो सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ हैबिट समझ में आती है। इफ आई विल गिव गुड हैबिट्स टू माय माइंड, कम सीखे पर उसको इंप्लीमेंट करे। अगर मैं ये चीज करूंगा दोस्तों, आप सब लोग वेल्थ क्रिएशन के रूप पे हो, राइट। सो हैव अ गुड हैबिट। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। रेडी फॉर जुलाई।